तो यार इस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि ऐसा वीडियो अब तक कहीं पर भी YouTube पे तुम्हें नहीं मिलेगा। तो चलो शुरू करते हैं। तो और प्राइड क्या हाल है यार। तो भाई साहब, बहुत दिनों बाद हम ये वीडियो नहीं बना रहे, बल्कि कल ही हमने एक वीडियो पोस्ट किया था जो कि ओम की स्पिन का था। और भाई साहब, आज इस वीडियो को तुम पूरा देखना, क्योंकि भाई ऐसा वीडियो कहीं नहीं मिलने वाला। तो यार आज हम खेलने वाले हैं फन गेम जिसका नाम है लाइब्रेरी TDM टीम दैट मैच, जो कि एक 4x4 गेमिंग मतलब गेमिंग रूम के अंदर खेल रहे हैं हम। वहाँ कसम मैं बता रहा हूँ, हम कस्टम रूम्स में खेल रहे हैं। अब तक ये नहीं आया है, हमने कोई क्रैक वर्जन भी नहीं किया यार, ये असली पबजी है। और भाई साहब, जब तक की बात है पबजी बैन का, तो गाइज हैप्पी जर्नी फॉर द न्यू यूट्यूबर्स लाइक मी, सबके लिए बेस्ट ऑफ लक यार, क्योंकि भाई साहब पबजी बैन नहीं होने वाला है, वो अप्रूव्ड हो चुका है कि पबजी बैन नहीं होगा। तो भाई साहब तालियां बजाओ, कुछ भी बजाओ, बस लाइक बटन मतलब लाइक बटन पे मार दो, क्योंकि इस इन्फॉर्मेशन के लिए। और भाई साहब एक बात बता रहा हूँ, ये वीडियो तुम्हें पूरे यूट्यूब शायद 2-3 वीडियोस में होगी, पर ज़्यादातर नहीं होगी यार, क्योंकि ऐसे कस्टम्स ना हम ही बनाते हैं, हम नहीं यार बहुत लोग बनाते हैं। मतलब यार बहुत दिनों बाद ये मैच आ चुका है। और भाई साहब ये हम सिर्फ, अगर आपको भी ये मैच खेलना है तो यार कस्टम रूम लगाओ और भाई साहब खेल लो। पहले आपको यहाँ पर मिलती है यूजी, और भाई साहब इसका कमाल देखिए, अगर आप एक बंदे को मारते हो तो ये पीपी में चेंज हो गई। मतलब गाइस इसे कुछ रीलोड मतलब सॉरी यार मतलब और एक बंदे को मारा इसलिए मुझे MP5K मिल गई, शायद इसका नाम क्या है मुझे याद नहीं यार, आप कमेंट में लिख देना इसका क्या नाम है। और भाई साहब सही बता रहा हूँ, ये जो मैच है ये कतई सेक्सी हॉट सब कुछ है यार। मतलब आप सोच लो कि अगर आप एक कॉन्करर पुश करना चाहते हो ये देखो नहुने बंदर आते अंदर बैठे हुए, मैंने एक को मार दिया पर दूसरे ने मुझे मार दिया, मतलब वो भी मेरा किल बेचारा मेरा दोस्त ले गया। और भाई साहब इसमें सबसे टफ मोड है जब ये पिस्टल आता है। इसके गेम्स के रूल बता दूं कि भाई यहाँ पर ये होता है 18x18, मतलब अगर आपकी टीम का कोई भी बंदा 18 गन्स चेंज कर लेता है तो वो टीम हो जाती है यार विनर विनर, और भाई साहब चिकन डिनर। और भाई साहब यहाँ पर हमें मिल जाती है स्कारल जिससे हम एक किल नहीं कर पाते। और भाई साहब देखिए क्या ही स्पीड में गन चेंज हो रही है, देखो पीक किया और बंद किया नहीं किया, M7 आ गया यार हाथ में, माँ कसम फास्टेस्ट। अब देखो इसे कैसे मारते हैं। और भाई ये मैप को समझना है ना, तो आपको एक दो मैच खेलने पड़ेंगे तभी आपको समझ में आएगा कि हाँ ये चीज़ है। और भाई साहब मैं बता रहा हूँ कि जो लोग हैं ना लवर्स हैं गन्स के, जैसे कि M4 हो गई ऐसे कुछ, तो यार बंदों को मारो ही मत, आप सिर्फ डैमेज देते रहो तो ही आपके पास M4 रहेगी। पर यार यहाँ पर कोई मतलब नहीं है, अगर आप कैंपिंग करके खेलोगे तो कोई मतलब है ही नहीं, मतलब मोड क्यों बनाया है, एंजॉयमेंट के लिए, और वैसे आप एंजॉय करो। और भाई मैं तो सोच रहा था कि अबे कहाँ से जाने की जगह है, पर लेफ्ट में देखता हूँ तब पता चला ओह ये तो अबे, अरे सही में देखिए यार ये दिख रहा है क्या। और भाई साहब ये हमारे पास M4 और M24 नहीं ना कतई जहर वाली, और देखिए आपको नीचे दिख रहा होगा कि नेक्स्ट गन कौन सी है मेरी, तो नेक्स्ट गन M16 मिल गई। और भाई साहब जब मैं M16 से मारूंगा तो मुझे नेक्स्ट गन और एक दिख रही है। और भाई साहब यहाँ पर मेरे कितने हो गए यार, शायद 8 हो गया ना, मुझे दिख नहीं रहा, आप ही बता देना कमेंट करके। तो यार 8 गन्स मैंने शायद चेंज कर लिए, शायद 8 या फिर 6 ऐसे ही कुछ है, नंबर मुझे याद नहीं, एडिटिंग में मतलब एडिटिंग में ये दिखता नहीं है यार। और भाई साहब हाँ अब दिखा मुझे कि 9 किल्स हो गए मेरे, ये 10 किल्स हो गया। और भाई अब SKS एक बात बता दूँ कि हर बार लोड आउट चेंज होता है, और भाई अब तो M24 ही मिल गई कतई जहर यार। और भाई ओ भाई साहब कतई जहर कैंपर्स, अगर आप कॉन्करर पुश करना चाहते हो या फिर कहीं पर अगर आप चाहते हो कि मैं किसी के अगेंस्ट 1v1 में हारूँ ना, तो यार ये मोड आपके लिए सबसे बेस्ट है, क्योंकि भाई यहाँ पर आपको हर एक गन से ऑलमोस्ट देखो इसमें है ना 3 SMGs मिलती है स्टार्टिंग में, एक उसके बाद एक, उसके बाद पिस्टल भी मिल जाती है, शायद वो SMG है या नहीं, मतलब है वो पिस्टल, मतलब एमो कैरी करती है 9 की,
तो भाई इस बात में मैं बोल रहा हूँ। और भाई साहब जिन जिन लोगों ने अब तक DBS कभी यूज़ नहीं की, मतलब एरेंगल में तो यार नॉर्मली कोई बंदा यूज़ करता नहीं है, तो इसमें यार आपके लिए एक बहुत ही लकी चीज़ है कि आप इसे मार सकते हो, पर एक ही किल तक, उससे ज़्यादा किल आप नहीं कर सकते। हेड मारा और भाई ये पिस्टल चेंज हो गई, कतई मेरा किल चोरी यार, कतई जहर वाला किल चोरी। और भाई सबसे हार्ड है ना, मैं बता रहा हूँ, पिस्टल से मारना है बंदे को। मैं मुझे यार कौन सी गन मिलती यार, इससे और एक मैच खेला था इससे पहले मैं, मतलब ये मैं कसम लगा के खेल रहा हूँ। और भाई साहब ये देखिए S686, नहीं यार सॉफ्ट ऑफ, जिन बंदों को पता नहीं है कि सॉफ्ट ऑफ है ना एक पिस्टल है जो कि ओनली मिरामार में मिलती है, जैसे कि हमारी डीपी हो गई जो कि ओनली एरेंगिल में मिलती है, QBZ हो गई, QBU हो गई जो कि सैनोक में मिलती है। और भाई साहब इससे जो ही चटका आया है, मतलब किल चोरी फिर से यार। और भाई इसमें मैं बता रहा हूँ, आपका एक्सपीरियंस इतना इंक्रीज होता है गन्स के मामले में, मतलब जब आपकी गन स्विचिंग भी फास्ट होती है इसमें। क्यों? क्योंकि आप है ना इस मैच में, मतलब समझो, जस्ट अज्यूम करो कि यार आपके पास दो गन्स हैं, आपका रीलोडिंग टाइम आ गया तो आप रीलोड करोगे, पर इसमें क्या है, आपको बंदे को मारना ही, रीलोड नहीं करना आपको। तो इससे आपका एक बेनिफिट ऐसा है कि भाई आप बंदों को मारोगे ही मारोगे, रीलोड का कोई ऑप्शन ही नहीं। और भाई साहब ये P92 आ गई, और इसके बाद शायद ये 17 है मेरे, शायद हाँ 17 है शायद, नहीं यार 17 है, कितनी है ये देखो, अगर मैंने अब एक किल कर दिया ना, हाँ सर अब हो गए सर, सॉरी क्या बोल रहा हूँ यार, अब शायद 17 हो गए मेरे, क्योंकि ये किल करने वाला हूँ मैं, किल चोरी अबे। ये लो अब यार ये लास्ट वेपन है पैन इन हेड, अब हमें है ना इससे मारना है चाहे बंदे के पास कुछ भी हो। और भाई साहब इसमें है ना मैच कब पलट जाए कुछ नहीं पता, क्योंकि भाई आपके बंदों के पास M249 होगी और आपके पास पैन होगा, पर अगर आप कुछ ज़्यादा ही नूब हो खेलने में तो यार आप हार जाओगे, सॉरी जीत जाओगे, अगर आप कुछ ज़्यादा ही नूब हो तो। यार यहाँ पर हम जीत चुके हैं, और भाई साहब कल और ब्रांड न्यू वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए पीस आउट, बाय बाय और थैंक्स फॉर वॉचिंग। और भाई साहब लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना।